गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सबके 31st के प्लान होंगे आई नो। मेरा प्लान कुछ ऐसा है जो मैं बहुत टाइम से करना चाहती थी, मतलब सच में। तो मैं 31st सेलिब्रेट करूंगी इस्कॉन टेम्पल हरि कीर्तन के साथ, और मैंने मेरे प्रभु के लिए सुबह सुबह उठ के भोग भी बनाया है, हम उनको प्रसाद भी चढ़ाएंगे। तो ब्लॉग के एंड तक बने रहना। हरे कृष्णा। तो अपने कपड़े तो मैंने एक्साइटमेंट के चक्कर में रात को अच्छे से हैंगर में लगा के रख दिए थे, और अब 1 2 3 मैं रेडी हूँ। अच्छा लगा ना? साल में बहुत अच्छी चीज़ें हुई हैं, और साल के आखिर दिन इस्कॉन टेम्पल जाना अपने प्रभु से मिलने के लिए बेस्ट चीज़ है। तो मतलब मैं विश करूँगी कि अगले साल हम सबके लिए बहुत अच्छा जाए। और गाइस, ठंडी ठंडी होते हुए मैं हो चुकी हूँ रेडी जाने के लिए, और मैं और मम्मी हम दोनों जा रहे हैं, है ना मम्मी? देखो चलो हरे कृष्ण नाम लेते हैं और चलते हैं। साल का आखिरी दिन है, अच्छे से जाएंगे, घूम के आएंगे, भगवान से प्रे करेंगे कि अगला साल इससे अच्छा जाए हम सबका। हरे कृष्ण। ठंडी तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। मम्मी पूरा पैक होके आई है। फाइनली हम लोग टुक टुक में बैठ गए। तब भी रात कहाँ थी, इतनी ठंडी हवा चल रही थी, और जिस ऑटो में हम बैठे थे ना, जहाँ से हमें ऑटो चेंज करना था, वो तो अभी उसके बारे में मैं आगे बताऊँगी, सुनते रहना। तो मैं गई थी अपनी एक और फ्रेंड के साथ, यह है मेरी स्कूल फ्रेंड, इसका इंट्रो मैं आगे दूंगी। ऑटो वाले अंकल ना ऑटो चला नहीं रहे, वो कहेंगे जब तक चौथी सवारी नहीं आएगी तब तक मैं चलाऊंगा नहीं। वो चला ही नहीं रहे, हम लोगों को बैठे हुए पता नहीं कितना टाइम हो गया है, वो चला ही नहीं रहे, सवारी ढूंढे जा रहे हैं अभी, कोई आ नहीं रहा। चलो फिर, ऑटो वाले अंकल ने एक अच्छा सा काम कर ही दिया, इसको खाना खिला के। और फिर फाइनली ऑटो चला, मतलब कम से कम भी 15 मिनट हो गए होंगे, उन्होंने ऑटो चलाया ही नहीं था। फिर अंकल ने पूरी अपनी ड्राइविंग स्किल्स दिखाते हुए भगा दिया, और फिर हम लोग अब पहुंचने वाले हैं। हम फाइनली पहुंच चुके हैं इस्कॉन टेम्पल, अभी हम चल रहे हैं मंदिर के रास्ते में। ये है मेरी मित्र, क्या नाम है आपका? खुशी त्यागी। खुशी त्यागी, इनका नाम खुशी त्यागी है, और ये है हमारी माता जी। और हम चलेंगे आगे आगे, देखते हैं और आपको भी दिखाएंगे। और अब वो समय आने वाला है ना, जिसका मैं बहुत टाइम से इंतज़ार कर रही थी, अपने श्री कृष्ण को देखने का। मतलब सच में आके तरस जाती हूँ उनसे मिलने के लिए। अब मिलूँगी मैं। प्रभु इतने सुंदर है ना कि उनसे आंखें हट ही नहीं पाती। उसके बाद हम लोग बैठे कीर्तन में। कीर्तन के बाद हम लोग गए सेवा करने के लिए, जो उनका नीचे हॉल है वहाँ पे। मतलब बहुत तरीके की सेवा थी, क्योंकि आज जो भोजन बनेगा वो माताएं सर्व करेंगी, इसीलिए हम लोग ने भी सेवा करी। यहाँ पे ये था कि जो अच्छे टमाटर है उनको एक जगह रखिए, और जो ख़राब टमाटर हो चुके हैं उनको फेंक दीजिए। उसके बाद आई बारी चॉपिंग की। प्रभु जी ने बोला था अगर ज़रा सा भी किसी का भी हाथ कटा ना, तो उसकी सेवा मानी नहीं जाएगी, इसलिए आपको बहुत ही आराम से और ध्यान से चॉपिंग करनी थी। बहुत सारी माताएं थी, बहुत सारे लोग थे जो सेवा में अपना हाथ बटाने के लिए आए थे, उनमें से एक मैं और मेरी मम्मी भी थे। उसके बाद हम लोगों ने किया थोड़ा सा नाश्ता, ये बहुत टेस्टी पकौड़ी और चटनी के साथ। सेवा के बाद एक बार फिर हम लोग गए कीर्तन में। जय श्री संकीर्तन की।
जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा कोई और प्लान भी हो सकता है 31st के लिए। बहुत अच्छे से हुए और मेरा सारा का आखिरी दिन ना बेस्ट एंड बेस्ट सबसे अच्छा गया दर्शन करके। तो हमारा 31st का प्लान बहुत अच्छा जा रहा है। पहले हमने किए श्री कृष्ण कुंज बिहारी जी के दर्शन इस्कॉन टेम्पल में, और अब हम आए हैं थोड़ा सा खाने पीने के लिए अपनी माता जी के साथ, अपनी मम्मी जी के साथ कुछ खाएंगे, देखते हैं क्या मिलता है। हमें वैसे चाय पीने का मन कर रहा है, बट यहाँ मुझे लगता नहीं कहीं मिलेगी, रखनी चाहिए लोगों को, देखते हैं चलो। तो मॉल में चाय मिलना तो बहुत ही इम्पॉसिबल है, तो हम लोग यहाँ गए थे नाथूज में, ये बाहर उन लोगों ने बहुत अच्छी सीटिंग करी हुई है, वहाँ पे हमने चाय पी और क्या क्या खाया वो भी मैंने रिकॉर्ड करा, तो आगे देखते रहना। जब बाहर आते हैं तो कुछ खाने का मन करता है, पर इस टाइम तो मैं सोचिए कि एक कप चाय मिल जाए अच्छी सी, हमारी चाय का इंतजार हो रहा है। फिर आई सबसे अच्छी टिक्की, उसके बाद गर्मा गर्म चाय, सबसे ज़्यादा वेट ना इसी का था क्योंकि इतनी ठंड में ना कुछ और खाने का मन ही नहीं था, बस गर्मा गर्म एक कप चाय पीने का मन था, वो भी कुल्हड़ वाली। उसके बाद फ्राइज और फिर हम लोग चले घर के लिए। और यहाँ जो अंकल ने धूम मचाले की तरह अपनी ऑटो मोड़ी थी ना चलती रोड में, मतलब बस इनको तो अवार्ड मिलना चाहिए इस चीज़ के लिए। घर जाने से पहले हम गए फिर एक रेस्टोरेंट में पेस्ट्री लेने के लिए, क्योंकि पता है हम लोग ना हर साल रात के 12 बजे या तो पेस्ट्री लेते हैं या केक कट करते हैं, तो केक तो नहीं लिया इस बार, हमने ली ट्रफल पेस्ट्री। गाइस हमने पेस्ट्री ले ली अम्मी अम्मी ट्रफल, अब रात को हम खाएंगे 12 बजे और अपना न्यू ईयर मनाएंगे। Few minutes later. बहुत ठंड है भाई, बहुत ठंड है, मत निकलो घर से बाहर, मैं तो घूम के आ गई पर आप लोग मत निकलो, बहुत ठंड है सच में। मुझे ये फूल भी मिला और अब देखते हैं आगे क्या होता है। वैसे ये साल बहुत अच्छा गया मेरा, बहुत सारी चीज़ें अच्छी अच्छी हुई इस साल, नई नई चीज़ें हुई और बहुत अच्छा गया। मैं प्रे करूँगी कि हम सबका नेक्स्ट ईयर बहुत अच्छा जाए। और घर से बाहर निकलो टोपा पहन के निकलो, टोपा मैं लाना भूल गई थी इसलिए मैंने ये पहना। घर आके शाम को हमने जलाई थी आग तसले में, जो कि मैंडेटरी है सर्दियों में, पापा लाए थे टेस्टी से समोसे। गाइस रात के 11:45 बज रहे हैं, घर में सब सो रहे हैं, पर मैं सबको जगाऊंगी क्योंकि मुझे न्यू ईयर सेलिब्रेट करना है। मैंने सबको उठा दिया, सब सो रहे थे पर मैंने सबको उठा दिया। अब हम काउंट डाउन करेंगे और न्यू ईयर मनाएंगे। पेस्ट्री बुलाए हैं वो भी खोलते हैं। आप भी उठ गई, आपको मैंने उठाया था। पता है मैं भी सो गई थी, बट मुझे ये था कि यार ये टाइम हर साल थोड़ी आता, मतलब ये टाइम हर साल आता है बट बार बार थोड़ी आता है, पूरा एक साल वेट करना होता है। और पता है हम ना हर साल आज तक खोल लेंगे या फिर जीनूस खोल के ना काउंट डाउन करते हैं। काउंट डाउन शुरू हो गया है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Happy New Year! मेरे न्यू ईयर की शुरुआत करी मैंने अपनी मम्मी को एक बाइट मीठा टेस्टी केक खिलाकर। केक सच में बहुत ही ज्यादा टेस्टी था सच में। मुझे फ्रेंड दिलवा रही है कि नए साल में क्या क्या नहीं करना, बोलो। अच्छा नए साल में नई गलतियाँ करेंगे। नए साल में कोई गलती नहीं करेंगे, किसी से झूठ नहीं बोलेंगे, किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, किसी का दिल नहीं दुखाएंगे। ठीक है, नए साल में किसी से कोशिश करेंगे, सब लोग खुश रहें हमारे प्रति। ठीक है, नए साल में गलतियाँ नहीं करेंगे, सबको खुश रखेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे और खुश रहेंगे। ठीक है, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, बाय गाइस, हैप्पी न्यू ईयर। इसी के साथ ये व्लॉग खत्म होता है, पसंद आया हो तो लाइक करना और हैप्पी न्यू ईयर।